Hey guys, good morning. Day 5. और ये देखो, ये तो शुक्र है उन्होंने तरपाल सी दे दी थी, कल से स्नोफॉल हो रहा है इधर। पूरी की पूरी कार यहाँ पे देखो, नहीं था ना कल परसों, और वो भी सारे माउंटेन्स जो हैं वो ब्राउन ब्राउन थे, बट ये भी पूरा वाइट हो गया भाई। और अभी भी मतलब हल्की हल्की स्नोफॉल हो ही रही है, बहुत ही लाइट लाइट, उधर तो दिख ही नहीं रहे माउंटेन्स भाई। सीन अलग हो गया, कार स्टार्ट करके देखते हैं आज कि कार स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि कल 9 बजे की थी और अब देखना है। इसको हटाते हैं पहले, फिर देखते हैं। गाइस कार स्टार्ट करने लगे हैं। हाँ क्या कहता है, फर्स्ट सेल्फ में हो जाएगी स्टार्ट? देखो होनी तो चाहिए, होनी चाहिए। क्या बात है भाई, सही कह रहा था तू। देख रहे हो गाइस, फर्स्ट सेल्फ में कार स्टार्ट हो गई है। कल रात 9 बजे ही स्टार्ट करी थी हमने 15 से 20 मिनट के लिए, और पूरी कार ठंडी हो रखी, टेम्परेचर हो रखा है, मे बी -20, मैंने अभी देखा नहीं है। थोड़ी देर इसको ऑन रखते हैं, बाकी हमारे जो बैग्स वगैरह हैं वो ला के कार में रखते हैं और हम निकलते हैं, इससे पहले ज़्यादा स्नोफॉल हो, रास्ते बंद हो जाए, पता चले हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि कार भी 4x4 नहीं है और दिक्कत होगी। सो इसको 10 मिनट ऑन रखते हैं, फिर चलते हैं। गाइस निकलने से पहले हम सोच रहे हैं स्नो चेन लगा लेते हैं दो, एक फ्रंट टायर पर और एक रियर टायर पर, क्योंकि पता क्या सीन है, पूरे रास्ते हमें स्नो मिलने वाली है। हमने पता किया है टाबो तक स्नो ही स्नो है, और ये आप देख ही सकते हो। तो यही कहना चाहूँगा कि स्पीति इज नॉट योर रेगुलर डेस्टिनेशन, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और एक चेन इधर लगाएंगे, एक चेन इधर लगाएंगे, रुक जा मैं हेल्प करता हूँ। गाइस देख रहे हो हमें रेड फॉक्स दिखी है, और झाड़ियों के पीछे LSI होल्ड करियो फोन, वो झाड़ियों के पीछे है भाई। ये देखो एक रियर साइटिंग हुई है, और मैं थोड़ी सी कार पीछे करता हूँ। छुप गई वो, अरे वो छुप गई जान के। ये देखो क्या बात है, हमें कुछ और तो दिखानी है, जरूर दिख गई। दिख रही है, हल्का सा जूम और हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, क्या बात है। अलर्ट होगी एक्चुअली ना ये हमारी कार के साउंड से, और भाई बहुत ही मतलब क्यूट सी और अलग सी लग रही है ना। फाइनली रीच नाको, सीधा काजा से चलकर हम रुके हैं नाको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो रखी थी रास्ते में। स्नो चेन लगाने के बाद इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई, 10 की स्पीड पे कार चल रही थी, 10-15 मैक्सिमम, और मे बी हर्लिंग विलेज से थोड़ा पहले तक स्नो मिली ही मिली है। स्नो तो इनफैक्ट यहाँ भी थी ऊपर, ये जो नाको से ऊपर है ना सारा का सारा, और मलिंग नाला करके आता है ऊपर, तो वहाँ पे भी पूरी स्नो थी। और आप ये देख रहे हो, 2 दिन पहले हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी, मैंने आपको अपडेट भी दिया था, ये हेलीपैड है ये देखो इधर, और अब देखो कितनी स्नो हो रखी है इस साइड। तो अब ब्रेक लिया हमने, कुछ बनाएंगे एंड देन उसके बाद आगे निकलेंगे, और धूप भी इतनी मतलब तेज़ हो रखी है ना। और यहाँ से वेदर चेक करो, ये देखो क्या बात है, और 2 दिन पहले भाई ऐसा कुछ नहीं था, और आज देखो क्या सीन है, स्नो ही स्नो हो रखा है। तो अभी हम लोग कुछ बनाएंगे, अपना किचन ऑन करते हैं। सो एग भुर्जी रेडी है, इसको खाएंगे ब्राउन ब्रेड के साथ, और ये महाराज कुछ बनाने लगे हैं, या तो ब्रेड ऑमलेट या फिर सैंडविच, पता नहीं,
जो भी बनाएगा ज्यादा ही बनाएगा थोड़ा। तो हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है और ये अपना पता नहीं क्या सैंडविच सुनविच बना रहा है, आई डोंट नो। और ऊपर मौसम थोड़ी देर पहले खराब हो गया था और हम सही टाइम पे आ गए हैं नीचे। और देखते हैं रिकोंगपियो का प्लान है फिलहाल, तो अगर टाइमली पहुंच गए उधर तो मैं रिकोंगपियो से आगे निकलूंगा और देखूंगा कहां तक पुश कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है 5:15। देखते हैं। और ये चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया, ये देखो आज की मेहनत पूरी की पूरी, मेरी स्वेटर जो है वो गंदी हो गई, कितनी बार चैन लगाई उतारी, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और कंक्लूजन मैं आपको बाद में ही दूंगा, अगर आप भी लाइक 4x2 से फ्रंट व्हील से प्लान कर रहे हो तो बाद में बताऊंगा और टिप्स भी शेयर करूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है रात का। सो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं टपरी, जो कि है हिमाचल प्रदेश में ही, और टाइम हो रहा है 8:30। अब ना हो गया, अब ड्राइविंग नहीं हो रही है, हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे स्टे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे मे बी चंडीगढ़ के लिए। अब बैठे हुए हैं, हमने खाना ऑर्डर किया है, थाली आ चुकी है हमारी, खाना खाकर बेड सेटअप करेंगे और सोएंगे, कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सीन ये है, डिनर कर लिया हम लोगों ने, और जहाँ पे डिनर कर रहे थे ना वहीं पर हमने पूछा कि यहाँ पे आसपास कार पार्किंग है, तो उन्होंने बताया यहाँ पे है, और ये पीछे मेरे ना सब्जी मंडी है, और ये पूरी की पूरी जो स्पेस है कार पार्किंग टाइप ही है, मतलब ऑफिशियली कार पार्किंग ही है बट लोग बाग खड़ी कर देते हैं। तो हमने डिसाइड किया यहीं कार पार्क करेंगे, बेड सेटअप कर लिया और हम सोने लगे हैं, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे चंडीगढ़, मोस्ट प्रॉब्ली चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ से 300 किलोमीटर्स है और हमें दिखा रहा है वो 9 hours समथिंग, तो देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं, ट्राई करेंगे चंडीगढ़ ही निकल जाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, day 6, टाइम हो रहा है 8:15, टेम्परेचर -5, और हम लोग जो हैं वो अभी टपरी में ही हैं, यहाँ पे हमने कार पार्क की हुई थी, यहीं सो गए थे रात, और अब हम सीधा निकलने लगे हैं, हमारा प्लान है चंडीगढ़ जाने का। तो चंडीगढ़ का दिखा रहा है 296 किलोमीटर्स, अब दिखा रहा है 11 hours, रात दिखा रहा था 9 something, और अब सीधा सीधा डायरेक्ट मतलब 11 hours, 11 घंटे हो गए, और हम ट्राई करेंगे डायरेक्ट चंडीगढ़ ही जाएं। अगर नारकंडा या कुफरी में अगर स्नो मिली तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टे करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ आज रुकने का कहीं प्लान नहीं है, सीधा घर रुकेंगे। और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, टायर का जो प्रेशर था वो इंक्रीज़ कर लिया, क्योंकि वो हमने कम किया था जब हम लाइक कचीचम ब्रिज जा रहे थे, और अब अगेन 31 कर लिया, तो जैसे जैसे अभी कार चलेगी तो 35 हो जाएगा। तो ये थोड़ी सेटिंग वगैरह कर रहा था, बस यही था कि 11 से 12 घंटे, तो रात के 8 बजे तक पहुँचेंगे। और पहुँचते पहुँचते जो मेरा ट्रिप था वो ओवरऑल एक ओवरव्यू दूंगा आपको, टिप्स शेयर करूँगा, तो जिससे आपका जो ट्रिप है 4x2 में ईजी हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड गाइज।